जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप ये नई वीडियो लेके हैं इलस्ट्रेटर की ट्यूटोरियल की। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करके छोटी सी डिज़ाइन बनानी, जैसे अपनी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा वही सेम ट्रिक अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक आर्टबोर्ड लिया जिसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और लेयर को लॉक कर दिया। अब मैं एक सर्कल बनाऊंगा और सर्कल बनाने के लिए आप सभी को पता है कि एलिप्स टूल को यूज़ करते हैं, इसका शॉर्टकट है एल। और एक मैंने सर्कल यहाँ बना लिया, शिफ्ट और ऑल्ट को एक साथ प्रेस करके रखना है जिससे दोनों तरफ से एक साथ उसके साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये सर्किल अपना बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसका कलर ब्लैक है, अपन को वाइट चाहिए। और वाइट कहाँ पे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक में। स्ट्रोक में वाइट पे क्लिक करते हैं, स्ट्रोक वाइट हो जाएगी और जो कलर अंदर जो फिल है उसको नन कर देना है। तो अंदर कोई भी कलर इसमें नहीं है, ठीक है, इसको अपन बंद कर देते हैं। अब अपन को जो भी करना है वो सिर्फ इस स्ट्रोक के साथ करना है। अब क्या करेंगे, स्ट्रोक के साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। अब स्ट्रोक के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और इसको पहले अपन को राउंडेड कर देना है, डैश लाइन को ऑन कर लेना है, और यूनिफॉर्म जो यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है इसको अपन चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी साइज़ को भी आपको इंक्रीज कर लेना है, अप्रॉक्स 5 कर लेते हैं। इसको ज़ीरो करना है क्योंकि अपन को डैश नहीं चाहिए, अपन को इसमें सिर्फ सर्कल चाहिए। और अपन को गैप चाहिए कितना, जैसे अप्रॉक्स 50 कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सर्कल आ चुके हैं, गैप्स को थोड़ा कम करेंगे तो सर्कल सेट हो जाएंगे अच्छे से। और इसके साइज़ को आप कर लेना 20, तो आप देखेंगे वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब थोड़ा बस इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ये सब के पीछे में अलग अलग वर्क करेगा, तो इसको कॉपी नहीं करना, आपको बस समझना है, ठीक है। अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब बस इसको अपन को ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करके इसको चेंजेस करने, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये वाला काम में नहीं लेना, आपको इफेक्ट में जाके काम में लेना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और सबसे पहले इसका प्रीव्यू ऑन कर लेना, ठीक है। कॉपी इसको कर देना 20, ये मैंने अंदाजे से लिखी है, ऐसे फिक्स कुछ भी नहीं है। और वही जो अपने पुरानी ट्रिक यूज़ करी थी, इसको यहाँ से कम कर लेते हैं अप्रॉक्स 95, नीचे भी सेम रखना है 95, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एंगल को चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे वो वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो आपने थंबनेल में देखा था। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको इस साइड से चाहिए या उस साइड से, ठीक है। आप जितनी इच्छा इसको चेंज करिए, और इसकी कॉपीज़ को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा चेंज करना चाहिए तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट अगर आपको यूज़ करना है तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी इसमें, सिंपली ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है, ठीक है। और ओके मैं इसको कर देता हूँ एक बार, और अगर फिर मैं इसकी बाद में अगर साइज़ चेंज करूँ तो भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ से चेंज करूँ तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा और भरा हुआ सा चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करेंगे तो थोड़ा गैप वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा और भी भरा हुआ मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ अपन और ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ये फ्लिप करने का ऑप्शन होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप मतलब वो चीज़ बिल्कुल उल्टी हो गई है, उसकी जो भी साइड थी वो सब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप हो गई है। अब अपन इसको चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपीयरेंस वाला ऑप्शन दे रखा है, अगर ये नहीं मिले तो आपको विंडोज़ में जाना है और अपीयरेंस यहाँ से ऑन कर लेना है, ठीक है। अब स्ट्रोक में जाऊँगा और वही ऑप्शन सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है जो आपने यूज़ किया था यहाँ पे, अब इसको चेंज करके देखिए और प्रीव्यू तो ऑन कर लेना। तो आपको वही चीज़ वापस मिल जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 97 इसको कर लेते हैं और यहाँ से भी 97 कर लेते हैं, फिर इसको अपन चेंज करते हैं। तो देखिए वो वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो आपने थंबनेल में देखा था, ठीक है। तो इसको आप जितनी बार चेंज करेंगे हर बार कोई ना कोई नई डिज़ाइन आपको मिलेगी बनी बनाई। इसको मैं 10 रख देता हूँ, बेस्ट है, ठीक है। अब ये फ्लिप करने के बाद काफ़ी चेंज लग रहा है, आपने देखा होगा पहले फ्लिप मैंने नहीं किया था तब कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर ऐसे ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग आपको चाहिए और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, वरना आपको पता नहीं चलेगा मैंने कब वीडियो अपलोड करी और कब नेक्स्ट वीडियो उसके बाद में अपलोड कर दी और आप पीछे रह जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप डूइंग।